अच्छा फुगा से आई है यहाँ की तरफ से, सही पहचाना तुम, यहाँ की नहीं सिंगापुर से आई हूँ। सिंगापुर? अच्छा सिंगापुर का नाम सुनते ही स्माइल क्यों आने लगी तेरे फेस पे? ऐसे कुछ कहानी है से जुड़ी हुई। कैसी कहानी बता ना। तू क्या करती है? ऑफिस में जॉब करती सिंगापुर। सिंगापुर में जॉब? यहाँ क्या कर रही है? यहाँ किसी की तलाश में आई। ओहो देरी तो बिल्कुल नहीं करेगी। कैसे सेम हुई आपको सिचुएशन बता ना। पहले मैं भी किसी की तलाश कर रही थी। किसकी? ना कोई, उसने लंबे चौड़े बाल देख लिए थे। कौन बताना, पूरी स्टोरी बताना। तू क्या करेगी मेरी स्टोरी सुनकर? इंटरेस्ट है तभी सुनूंगी। ट्रस्ट और सिचुएशन कौन सा मेरी सेम है यार, तो बता। चल तुझे मैं अपनी स्टोरी सुनाती हूँ। हाँ जरूर सुना। उससे पहले चीयर्स करते हैं। श्योर। कॉलेज का पहला दिन था। अच्छा कॉलेज वाला प्यार है तेरा। अब बता बता मैडम सुनना सारी स्टोरी। कॉलेज का पहला दिन था और वो मेरे सामने उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा और थोड़ी थोड़ी बातचीत, फिर साथ में घूमना फिरना, मूवी पॉपकॉर्न और कॉफी। आप फिर प्यार हो गया? नहीं प्यार ऐसे थोड़े ना होता है यार। तो फिर नोट्स वगैरह एक्सचेंज करने लग गए, बस उसी में एक हल्की सी फ्रेंडशिप हो गई थी, थोड़ा सा लगाव हो गया था जिसे सब लोग प्यार बोलते हैं। तुझे तो पता ही है उसे सब लोग प्यार बोलते हैं। तो मतलब प्यार होना स्टार्ट हो गया था। फिर क्या, हमारी ग्रेजुएशन कम्प्लीट हुई, फिर उसे एक जॉब का ऑफर आ गया था सिंगापुर। ओ तभी तूने स्माइल पास की, सिंगापुर का नाम सुनते ही। तो सिंगापुर चलो गया तो काम से। उसके बाद फिर वहाँ पे उसका एक कॉल आया था मेरे को, जब उसने बताया मुझे उसका अकाउंट हैक हो गया। उसने कहा कि मैं तुझे मैसेज करूँगा, मेरे मैसेज का वेट कर। तब से अब तक वो वेट ही कर रही। साले का कोड नंबर बंद है। सर्च मैंने इतना किया ना, बहुत ज्यादा हर जगह मैंने ढूंढा, अब तो उसने नंबर ही बंद कर रखा अपना। तो उसने तुझे कोई भी मैसेज या कॉल करने की कोशिश नहीं की? क्या करेगी करना चाहता है और कुछ भी नहीं। इससे बड़े ना
जिस लड़के के विषय में ये लड़कियां बात कर रही थी उसकी जून 2018 में मौत हो गई है, इसलिए किसी के भी विषय में बोलने से पहले सोच लेना बेहतर होता है, अर्थात थिंक बिफोर यू स्पीक।